अभी हाल ही में भारत में स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग के कुछ अधिकारियों को भारत ने जासूसी करते पकड़ा था, जिन्हें 24 घंटे के अंदर देश छोड़ने का आदेश दिया गया था। लेकिन अब उच्चायोग से जुड़े मामलों में भारत ने और सख्ती दिखाने का फैसला लिया है। भारत सरकार ने फैसला किया है कि दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग में 50% कर्मचारियों की संख्या कम की जाएगी। ठीक इसी तरह भारत सरकार ने इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग से भी भारतीय कर्मचारियों की संख्या 50% तक कम करने का फैसला लिया है। ये जानकारी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने दी। उन्होंने इस मामले में बताया कि पाकिस्तानी उच्चायोग के प्रभारी को आज तलब किया गया और सूचित किया गया कि भारत ने बार बार उनके उच्चायोग के अधिकारियों की गतिविधियों के बारे में चिंता व्यक्त की। वे आतंकवादियों के साथ जासूसी और व्यवहार करने में लगे हुए हैं। 31 मई को अधिकारियों को रंगे हाथ पकड़ा गया था और निष्कासित कर दिया गया था। भारत के इस फैसले के बाद उच्चायोग में तैनात अधिकारियों की संख्या 110 से घटाकर 55 कर दी जाएगी। जहां एक तरफ भारत में पाकिस्तानी उच्चायोग में काम करने वाले कर्मचारी जासूसी जैसे आरोप में लिप्त पाए गए हैं, वहीं दूसरी तरफ इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार की कई घटनाएं खबरों में आ चुकी हैं। पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों को उनके वैध राजनयिक कार्यों को करने से रोकने के लिए लगातार प्रयास किए हैं। हाल ही में पाकिस्तान में उच्चायोग में काम करने वाले 2 भारतीय अधिकारियों का बंदूक की नोक पर अपहरण किया गया, उनके साथ बेहद बुरा व्यवहार किया गया। इसे लेकर भारत ने पाकिस्तान को फटकार लगाई थी। और यही नहीं, पाकिस्तान की ओर से झूठे दावे किए गए कि इन अधिकारियों की गाड़ी से एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया और अधिकारी उसे छोड़कर फरार हो गए थे, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। हालांकि भारत ने पाकिस्तान पर दबाव बनाने के बाद इन अधिकारियों को उनके गाड़ी समेत इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग में पहुंचा दिया था। रिपोर्ट भारत तक।